नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर 50% कमीशन मांगने पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई। मध्य प्रदेश में मामा सरकार की लगातार खुल रही पोल, 50% सरकार पैसे लेकर काम कर रही है। अब भाजपा नेताओं के आपस में ही हुई सिरपटोल, बीजेपी के नेता आपस में ही मांगने लगे 50% कमीशन। इस सीधी तस्वीर और इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिए। वीडियो सोशल मीडिया में धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, जिसपे दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए 50% कमीशन की चरमखोरी ने। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के दिमाग में ऐसा चरस बो दिया है कि बीजेपी के नेता लगातार 50% कमीशन मांगते ही घूम रहे हैं। और हालात तो ये हो गए हैं कि एक बीजेपी नेता दूसरे बीजेपी नेता से ही 50% का कमीशन मांगने लगा है। और यही कारण है कि उज्जैन के मदेपुर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की बीजेपी नेताओं ने उन्हीं के ही चप्पलों से पिटाई कर दिया है। यह पूरा मामला जो है वो अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश में 50% की सरकार की और पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी बाजार चले लात घूसों के बीच राहगीरों ने कैमरों में कैद कर लिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लेकिन बीजेपी इस मंडल अध्यक्ष की पिटाई क्यों हुई है समझ लीजिए। आपको बता दें, मामला जेसीबी की शिकायत करने को लेकर है। जेसीबी मशीन भाजपा के कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह और जीवन सिंह की है और शिकायत मंडल अध्यक्ष पल्लव पोरवाल कर रहे थे। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष को जमकर पीट दिया। मामले में एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव ने कहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ 302, 506, 334 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरियादी के कहे अनुसार जांच की जा रही है, आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वीडियो में आपको बता दें, दो कार्यकर्ता एक व्यक्ति को पाइप चप्पलों से मारते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि मंडल अध्यक्ष आदतन शिकायती हैं। जेसीबी एक विभाग में लगाई गई थी, जिससे लेकर मंडल अध्यक्ष बेवजह की गलत और झूठी शिकायतें कर रहे हैं। काफ़ी समय से तंग आकर वो इस वजह से उनकी पिटाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भी तो ये भी आरोप लगाया है कि वो इस पूरे मामले में जो है 50% का कमीशन भी मांगते हैं। इस वजह से भी तंग आकर 50% कमीशन लगातार मंडल उपाध्यक्ष चप्पलों से पिटाई कर दी गई है। तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं मध्य प्रदेश में हालात किस तरीके से मामा की सरकार के मामा के लोग ही पोल खोलते नजर आ रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट। बीजेपी नेता 50% कमीशन खेल, ग्वालियर, रीवा, सागर और निवाड़ी। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस पर करोड़ों गबन के आरोप, बाद भाजपा में राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस पर कार्रवाई नहीं होने पर धरने के साथ ही प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, 2018 से चुनाव हारने के बाद अर्चना चिटनिस के पास कार्यकर्ताओं की भारी कमी देखने को मिली। 3-4 कार्यकर्ताओं के साथ घूमते दिखाई दी चिटनिस। इन दिनों जो है वो उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। वो बीजेपी में जो है वो मंत्री हुआ करती थी। मंत्री रहते हुए उन्होंने 50% कमीशन की सरकार चलाई, जिसके बाद उनकी हार हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाया है। स्वयं कांग्रेस पार्टी ने उस प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सिंधिया को तगड़ा झटका। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को बताया भ्रष्ट पार्टी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से 50% वाली सरकार है, बिना कमीशन आज मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। आज हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, अपनी समस्या को सुनाएं तो सुनाएं किससे। आज मध्य प्रदेश में हालात यह हो चुके हैं कि तोड़फोड़ की पहले तो सरकार बनाई, और तोड़फोड़ की सरकार बनाने के बाद स्वयं सिंधिया ने कहा था कि 2,00,000 करोड़ रुपये का जो किसानों का कर्ज है उसे माफ़ किया जाएगा। लेकिन ना तो किसानों का कर्ज माफ़ी की गई और ना ही भ्रष्टाचार रुका, बल्कि चरम पर भ्रष्टाचार पहुंच गया। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैकड़ों समर्थक संघ जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान बीजेपी में मची फूट। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन यात्रा में अपनी यात्रा का ऐलान अटकले तेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ राजस्थान वसुंधरा में बड़ी खबर निकल के आई जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। परिवर्तन यात्रा से पहले अपनी यात्रा का ऐलान अटकले तेज हो चुका है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया था। लेकिन बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले ही जो है वसुंधरा राजे ने अपनी यात्रा का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब सुगबुगाहट ये होने लगी है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में फूट मची है, क्या बीजेपी में जो है वो एक तरीके से टेंशन क्यों बढ़ रही है।
इस्तीफे की खबर निकल के आई। उन्होंने ऐलान कई तरीके के अटकलें तेज हुई और कहा गया है कि अब आने वाले समय में अगर राजस्थान में यही हालात रहे तो वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी बना देंगे, जिससे बीजेपी को जो है वो तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी की जो है वो हालत इस समय पतली हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर उठाया बड़ा कदम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है, साथ ही कमेटी के लोगों से एक देश एक चुनाव पर राय लेगी। एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी में किसे किसे शामिल किया जाएगा, इस संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। कमेटी में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है, समिति की रिपोर्ट आएगी फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। एक और अपडेट निकल के आई है। नू हिंसा को लेकर पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष नहीं पेश हुए ममन खान, बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा के नू में हुई हिंसा के मामले में लगातार जांच चल रही है और इसी कड़ी में पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम ने कांग्रेस के एमएलए ममन खान को बृहस्पतिवार को नू के नगीना थाना बुलाया गया था, लेकिन ममन खान तक एसआईटी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने तबीयत खराब होने के बाद कही। वहीं ममन खान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री खट्टर ने ममन खान के एसआईटी के समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में टीम इंडिया की 56 नेताओं संग बड़ी बैठक। खबर निकल के ये भी आई है कि बड़ी बैठक में खास करके तगड़ा झटका लग रहा है बीजेपी को। इंडिया गठबंधन में भरी हुंकार, आज लोगो फिलहाल जारी नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो इस तरीके का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, इंडिया की बड़ी बैठक हो रही जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक बनाए जाएंगे। विपक्ष जो है फिलहाल आज जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, आज फिलहाल लोगो नहीं निकल पाया है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लोगों को फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे नेता संजय रावत ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों गठबंधन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसे लेकर हमारी बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन इसका अनावरण नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि इस विपक्ष शुक्रवार को लोगों जारी कर सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, इस बैठक से डरी मोदी सरकार जो है वो डरी हुई है। अब इंडिया ने कहा है कि अब देश इस बार इंडिया का प्रधानमंत्री चुनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं चुनेगा, क्योंकि अडानी का प्रधानमंत्री की विदाई भी तय है। जीतेगा इंडिया, हारेंगे अडानी के भक्त। एक और अपडेट निकल के आई है। समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं को किया अलर्ट। दरअसल समय से पहले चुनाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस साल दिसंबर में 5 अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। ओडिशा में सीएम पटनायक का कार्यकाल मई 2024 में पूरा हो रहा है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार ओडिशा सीएम नवीन पटनायक 8 जिलों के पार्टी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के दौरान चुनाव सुगबुगाहट की बात कही और कहा है कि फिलहाल बीच में ही चुनाव की तैयारियों के लिए मैं तैयार